हाय फ्रेंड्स, स्वागत है आपका सबका एजुकेशन में। और आज हम लोग पढ़ेंगे फेज डायग्राम। तो चलिए इसे समझने के लिए चलते हैं सबका एजुकेशन में। सो फ्रेंड्स, अभी तक आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ भी ज़रूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी इस वीडियो से लाभ मिलता रहे। आज हम लोग फेज डायग्राम में पढ़ेंगे फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम। तो चलिए समझते हैं कि फेज डायग्राम ऑफ सल्फर सिस्टम क्या होता है। सल्फर एग्जिस्ट इन टू क्रिस्टलाइन फॉर्म रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक विथ 95.6 डिग्री सेल्सियस एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर एट 1 atm प्रेशर। सल्फर एग्जिस्ट करता है टू क्रिस्टलाइन फॉर्म को रोम्बिक एंड मोनोक्लिनिक का 95.6 डिग्री सेल्सियस एज द ट्रांजिशन टेम्परेचर एंड एट 1 atm प्रेशर के साथ। बिलो 95.6 डिग्री सेल्सियस रोम्बिक इज द स्टेबल फॉर्म वाइल एबव इट मोनोक्लिनिक इज द स्टेबल। एट 95.6 डिग्री सेल्सियस बोथ फॉर्म आर इन इक्विलिब्रियम विथ ईच अदर। जब 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से नीचे टेम्परेचर रहता है तो रोम्बिक सल्फर स्टेबल फॉर्म में रहता है। फिर जब 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर से ऊपर टेम्परेचर रहता है तो उस टेम्परेचर पर मोनोक्लिनिक सल्फर स्टेबल रहता है और ये दोनों इक्विलिब्रियम में 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर पर एक दूसरे के साथ रहता है। ईच फॉर्म हैज़ इट्स ऑन कैरेक्टरिस्टिक्स मेल्टिंग पॉइंट ऑफ रोम्बिक सल्फर इज 114 डिग्री सेल्सियस वाइल दैट ऑफ मोनोक्लिनिक इज 120 डिग्री सेल्सियस। बिसाइड दीज टू क्रिस्टलाइन फॉर्म सल्फर ऑल्सो एग्जिस्ट इन लिक्विड एंड वेपर फेज वेन हीटेड सुटेबल। इसका प्रत्येक फॉर्म का कैरेक्टरिस्टिक्स होता है मेल्ट होने का। रोम्बिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 114 डिग्री सेल्सियस एंड मोनोक्लिनिक सल्फर का मेल्टिंग पॉइंट होता है 120 डिग्री सेल्सियस। ये जो दोनों क्रिस्टलाइन फॉर्म है सल्फर का, ये ऑल्सो एग्जिस्ट करता है लिक्विड एंड वेपर फेज में जब इसको सुटेबल हीट मिलता है। दस सल्फर कैन एग्जिस्ट इन 4 पॉसिबल फेसेस, 2 सॉलिड SR एंड SM, 1 लिक्विड SL एंड 1 वेपर फेज SV। सल्फर एग्जिस्ट कर सकता है 4 फेसेस को, ऐसा पॉसिबिलिटी है इसका। इसमें 2 सॉलिड फेस होता है SR एंड SM, 1 लिक्विड फेस होता है SL एंड 1 वेपर फेज होता है SV। तो चलिए अब इसे आगे समझते हैं। However, the four faces cannot coexist at the same time. जो four faces है सल्फर का वो सेम टाइम में एक साथ coexist नहीं कर सकता है। Applying phase rule, that is C equal to 1 and P equal to 4. F equal to C minus P plus 2. F equal to 1 minus 4 plus 2. F equal to 1 minus 2. F equal to minus 1 और इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम माइनस 1 होगा। एज डिग्री ऑफ फ्रीडम कांट बी नेगेटिव सो फोर फेसेस कैन नॉट बी कोएग्जिस्ट। इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम नेगेटिव नहीं हो सकता है, इसलिए सल्फर का जो फोर फेसेस है वो कभी भी एक साथ कोएग्जिस्ट नहीं करेगा। तो अब चलिए इसके फेज डायग्राम को देखते हैं। ये देखिए सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम कुछ इस तरह से होता है, आप देख सकते हैं। इधर प्रेशर है एंड इधर टेम्परेचर है, आप देख सकते हैं। ये SR है रोम्बिक सल्फर, SM है ये मोनोक्लिनिक सल्फर, ये SV है वेपर फेज में सल्फर और ये SL है लिक्विड फॉर्म में सल्फर। ये देखिए ये जो कर्व है OA एंड OB, इन दोनों को सब्लिमेशन कर्व कहते हैं।
ये जो कर्व है बी ई कर्व, इसको वेपर प्रेशर कर्व कहते हैं या वेपराइजेशन कर्व। ये जो बी सी कर्व है इसको फ्यूजन कर्व या मेल्टिंग कर्व कहते हैं। ये जो कर्व है ओ सी, इसको ट्रांजिशन कर्व कहते हैं। और आप देख सकते हैं कि सल्फर सिस्टम का फेज डायग्राम में डिफरेंट पॉइंट पर कुछ डिफरेंट टेम्परेचर होता है। ये देखिए, इस पॉइंट पर टेम्परेचर है 95.6 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर। इस पॉइंट पे आप देख सकते हैं कि 114 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। इस पॉइंट पर आप देख सकते हैं कि 120 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है। द फॉर्म फेसेस ऑफ दिस सिस्टम, इस सिस्टम में जो फेज होता है सल्फर फॉर्म का वो कुछ इस तरह से होता है। आप देख सकते हैं एस आर, ये रोम्बिक सल्फर होता है, इसको एस आर से डिनोट किया जाता है। एस एम, ये मोनोक्लिनिक सल्फर होता है, इसको एस एम से डिनोट किया जाता है। एस एल, ये लिक्विड फॉर्म में सल्फर होता है, इसको एस एल से डिनोट किया जाता है। एस वी, ये सल्फर वेपर होता है, वेपर के फॉर्म में सल्फर होता है और इसको एस वी से डिनोट किया जाता है। तो आई होप कि आपको ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा और अच्छा लगा होगा। वीडियो पसंद आ रहा तो वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। और हाँ फ्रेंड्स, कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को ये वीडियो कैसा लगा। तो हम लोग मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में। सो अभी के लिए थैंक यू।